हाइब्रिड और मल्टी चिप आईसीज। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ चिप्स यूज होती हैं सर्किट की फैब्रिकेशन में, जो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। जो सारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांजिस्टर डायोड्स, और जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टर और कैपेसिटर्स, ये करते हैं ग्रुप में इंस्टॉल किए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को डिफ्यूज किया जाता है एक सिंगल चिप में। इसका जो यूज होता है वो हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर्स में किया जाता है, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो पावर है इसकी वो 5 वोल्ट से 50 वोल्ट या इससे ज्यादा हो सकती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, ये जो आईसीज होती हैं कुछ इस शेप में होते हैं, नंबर ऑफ चिप्स, ये ब्लैक कलर की नंबर ऑफ चिप्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये हमारे इंटरकनेक्टेड होती हैं ये सारी एक दूसरे के साथ। ये डिजायर्ड हमारे कंपोनेंट्स हैं, और ये हमारी होती है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्ट वायर्स के थ्रू इनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और ये होते हैं हमारे जो टर्मिनल्स होते हैं जिनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट्स हैं इसमें, यानी कि नंबर ऑफ चिप्स इसमें यूज की जाती हैं। जो जैसे जो हमारी थिन और थिक फिल्म आईसीज होती हैं वो भी बेटर परफॉर्मेंस देती हैं जो हमारे मोनोलाइथिक आईसी से कंपैरिजन में। और जो हमारी हाइब्रिड, ये मल्टी चिप आईसी है, ये भी मोनोलाइथिक आईसी के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस देती हैं। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जब इनका मास प्रोडक्शन करते हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि मल्टी चिप टेक्निक है वो उनका यूज किया जाता है जो क्वाइट इकोनॉमिकल है। स्मॉल क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होता है, और ये जो इसको भी क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप से, जिसे बाइपोलर आईसीज और जो हमारी यूनिपोलर आईसीज हैं उनसे डिनोट किया जाता है। और ये है हमारा हाइब्रिड और मल्टी चिप आईसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।